हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में अब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कूद गए हैं। राजनाथ सिंह ने मंडी जिला के बल और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करके भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार से पूछा कि केंद्र से भारी आर्थिक मदद मिलने के बावजूद प्रदेश में विकास क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारें प्रदेश को 11,000 करोड़ का सेंट्रल टैक्स और अनुदान के रूप में 10,000 करोड़ देती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के 28,000 सेंट्रल टैक्स और 43,000 करोड़ की अनुदान राशि दी है, फिर भी राज्य सरकार प्रदेश का विकास नहीं करवा सकी। पहले यूं सेंट्रल टैक्स का 11,328 करोड़ मिलता था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 28,225 करोड़ कर दिया है। भाई फिर भी विकास नहीं हो रहा है। अनुदान 13वें वित्त आयोग में इनकी सरकार थी, 10,000 करोड़ मिलता था। हाँ, तो आश्चर्य होगा बहनों भाइयों कि हमारी सरकार ने बढ़ाकर उसे 43,000 करोड़ रुपया कर दिया है। फिर भी मैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से बहुत ही सम्मान से पूछना चाहता हूं कि राजा साहब क्यों नहीं विकास हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई ने केस दर्ज करके रखा है और कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, फिर भी सीएम ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान राम ने सीता माता पर जरा सा आरोप लगने पर उनको त्याग दिया था। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, अदालतों में केस चले, सीबीआई चार्जशीट दाखिल हो, कुर्सी पर बैठे रहे, क्या यही नैतिकता है? मैं याद दिलाना चाहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति ने केवल उंगली उठा दी थी। लोकलाज को ध्यान में रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अपनी परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। यह है भारत की परंपरा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज लोगों का जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कैसे चलाई जाती है ये सीखना तो भाजपा से सीखो। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बहनों भाइयों, लोग पहले कहते थे अरे सरकारें होती हैं कहती हैं लेकिन भ्रष्टाचार होता रहता, लेकिन मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। 3.5 साल पहले आपने केंद्र में सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार बनाई है। सीमा ठोक कर कह सकता हूं बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हो। सरकार कैसे चलाई जाती है यदि सीखना है तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। हम जो कहते हैं या करते हैं, हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। वहीं इस मौके पर बल से भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने उपस्थित लोगों से एक मौका देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे बल की जनता के बेटे हैं और यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे दृढ़ अपील करता हूं कि आप सभी 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल खाएंगे और इंद्र सिंह गांधी को अपना आशीर्वाद देंगे और मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। मैं आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका भाई हूं, आपका बहन का भाई हूं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं जो मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो मैं जितनी ये मेरी बहनें हैं, माता हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे युवा साथी हैं और मेरे लिए भगवान का रूप है, मुझे भगवान के रूप में आप सभी आशीर्वाद देंगे। मैं आपका बच्चा हूं।